भारत और चीन के बीच ये सीमा विवाद यूं तो दशकों पुराना है, लेकिन इतनी तल्खी शायद दशकों में कभी नहीं रही। लगभग 3400 किलोमीटर लंबी दोनों देश के बीच में ये सीमा कोई आधिकारिक बॉर्डर नहीं है, बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसे अंग्रेजी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। यहाँ पर चीन भारतीय सीमा में अतीत में कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है और कई बार इसमें सफल भी रहा है। चीन जिस विस्तारवादी नीति पर काम करता है, उसका यह एक प्रतिरूप है। इस सीमा विवाद में तनाव के बीच दो बड़ी बातें देखने को मिल रही हैं। पहला, लगभग मीडिया में जितनी भी खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, और दूसरा, दोनों देश में लगातार बातचीत हो रही है, कूटनीतिक स्तर पर हो या कमांडर स्तर पर। सूत्रों के हवाले से खबर आने का मुख्य कारण, दोनों देश तनाव के बीच में कुछ भी आधिकारिक करके बातचीत के माहौल में अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, और इसके कूटनीतिक और राजनीतिक कारण भी हैं। क्या हुआ है अब तक यह जान लेते हैं। मोदी सरकार ने आने के बाद बॉर्डर के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। इसके लिए बॉर्डर के आखिरी मील तक वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। चीन नहीं चाहता है कि भारत किसी तरह से दौलत बेग ओल्डी पहुंचने का रास्ता सुगम कर ले। इसको लेकर चीन ने गलवान घाटी में सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई, जिसको भारत कौनो ध्यान नहीं दिया। भारत का कहना रहा है कि ये हमारा इलाका है और हमको इसमें केहू की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। चीन ने फिर 15-16 जून को अपने आर्मी को भेजा रोड में कटीदार तार लगा के, ताकि बवाल करके जगह हथिया लिया जाए और गोली ना चले। जो इनॉग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक अपन लोग की सेना भाप गई, और जब तक समझी तब तक बिहार रेजिमेंट के सीओ संतोष कुमार पर चीनी हमला कर दिए, उसमें वो शहीद हो गए। उसके बाद हमली की सेना भड़क गई और फिर दोनों साइड में झड़प में 20 गो जवान हमारे भारत के शहीद हो गए। चीन के तरफ से भी लोग हटाहट हुए, लेकिन चीन इसको कभी माना ही नहीं। फिर शुरू हुआ बातचीत का दौर डीएस्केलेशन के लिए, जो बहुत ही लंबा खींचना पहले से तय था, और हुआ भी यही। करीब एक महीने से ज़्यादा समय के बाद 25 जुलाई को गलवान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में डीएस्केलेशन की खबरें आई। फिर आई खबर चुसुल इलाके में, जहां एक सूत्र ने बताया कि 29-30 अगस्त को पीएलए के सैनिक रेजांगला की तरफ आए, लेकिन उन्हें पीछे ढकेल दिया गया। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने कहा चीनी सैनिकों ने 31 अगस्त को एक बार फिर विवादित सीमा के साथ उकसावे वाली कार्रवाई की थी, जबकि ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता जारी थी। इस बीच भारतीय सेना अपनी रणनीति बनाती रही और उसको कुछ बहुत ज़बरदस्त कामयाबी भी मिली। जैसे भारतीय सैनिकों का अब चुसुल के उप क्षेत्र में राइफल लाइन हासिल करना, जो कि उन्हें भारतीय पक्ष में चुसुल के कटोरों पर हावी होने की अनुमति देता है। भारतीय सेना इस बीच इस इलाके में ऊंची पहाड़ियों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है। 5 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में 5 लोगों की चीन द्वारा अपहरण की खबर भी आई, और इसके बाद तनाव और भी बढ़ा। इस बीच 7 सितंबर को 1975 के बाद चीन की सीमा क्षेत्र में गोलीबारी की पहली बार खबर आई। इसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि चीन के उकसावे के बाद भारतीय सैनिकों ने हवा में फायरिंग करी थी। 4 सितंबर को रक्षा मंत्री स्तर की बैठक के बाद एससीओ समिति में यह तय हुआ कि 11 सितंबर को यह बातचीत जारी रहेगी विदेश मंत्री स्तर पर। 11 सितंबर को विदेश मंत्री के स्तर की बैठक में दोनों देशों में 5 सूत्रीय बिंदु पर सहमति बनी। भारत और चीन के बीच जिन 5 सूत्रीय बिंदु पर बनी है सहमति, उसके बारे में अब हम बताते हैं। आपसी मतभेदों को विवाद नहीं बनने दिया जाएगा, यानी कि अगर दोनों देशों के बीच में कोई असहमति होती है तो उसके विवाद में तब्दील होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले क्षेत्रों में पीछे हटे, यानी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को दोनों देश जल्द से जल्द शुरू करें। हाल फिलहाल में जो स्थिति बनी हुई है वो भारत और चीन दोनों के लिए अहितकारी है।
तय मैकेनिज्म के अनुसार दोनों देश बातचीत जारी रखें और इसके तहत स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के तहत चर्चा को टूटने न दें और एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी भी विवाद या तनाव की स्थिति से बचें। मौजूदा संधियों और प्रोटोकॉल को दोनों देश मानेंगे और इन्हीं के आधार पर सीमा पर तनाव बनने नहीं देंगे। दोनों देश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे तनाव बढ़े। देशों के बीच आपस में भरोसा कायम रखने के लिए समय समय पर पहल किया जाना चाहिए। चीन काहे इतना परेशान है, कुछ कारण हम आपको बता ही देते हैं। भारत का 370 हटाना, चीन को लग रहा है कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वापस न ले ले पाकिस्तान से उस पर हमला करके, इससे उसके सीपैक प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। भारत का अमेरिका से बढ़ती दोस्ती भी एक कारण है। चीन का सारा व्यापार खड़ा है अमेरिका और यूरोप के दम पे। ऐसे में भारत अपने अच्छे संबंधों के बदौलत व्यापार को इन देशों में बढ़ाना चाहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान चीन का ही होगा। हांगकांग, मंगोलिया और उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार मुद्दों पर पूरी दुनिया में घिरा हुआ चीन और यूरोप के देश बहुत नाराज हैं चीन से। अभी ये भी एक कारण है। चीन के राष्ट्रपति का चीन की जनता में ही नहीं कम्युनिस्ट पार्टी में भी विश्वास कमजोर हुआ है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने साथियों में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप आने वाला वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें।